फ्रेंड्स, गर्मियों में आप भी मनी प्लांट को ऐसे हरा भरा और घना रखना चाहते हैं तो आज मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी, केयर करना बताऊंगी कैसे आप अपने मनी प्लांट को हरा भरा रख सकते हैं। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है जल्दी से कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और अभी तक आपने चैनल सीजनल गार्डनिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है, ब्लैक कलर के सब्सक्राइब बटन पर टच कीजिए और पास में बेल बटन का ऑप्शन है उसको जरूर प्रेस कीजिए, आपको नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जल्दी मिलेगा। तो ये मेरा मनी प्लांट का पेड़ है, देखिए इसमें आपको कुछ कुछ पत्ते थोड़े अभी छोटे भी दिख रहे होंगे। तो एक थोड़ी पतली स्टेम का है, इसकी जो डंडी है वो थोड़ी पतली है तो उसके अभी थोड़े पत्ते छोटे छोटे आ रहे हैं, धीरे धीरे इसमें बड़े पत्ते भी आने लगेंगे। और जो दूसरी स्टेम है उसका जो है डंडी उस वो थोड़ी मोटी है तो इसके पत्ते अच्छे बड़े बड़े साइज़ के हैं और अच्छा घना हो रहा है मेरा मनी प्लांट। आप ही ऐसे चाहते होंगे कि आपका भी मनी प्लांट ऐसे हरा भरा और घना रहे, तो आप इसे पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में रख दीजिए और ऐसे आप डंडा लगा दीजिए इसमें कोई, कि जिससे ये बेल जो है मनी प्लांट की वो ऊपर की तरफ चलते रहे। कभी भी मनी प्लांट की बेल को नीचे मत कीजिए, और पैसों की अगर घर में तंगी हो रही है या एटमॉस्फेयर घर का अच्छा नहीं है, घर में कुछ लड़ाई झगड़ा होता है तो ये बिल्कुल नहीं होगा। इसे लगाने से घर में पॉजिटिविटी आएगी और बरकत ही बरकत बनी रहेगी। कुबेर भगवान इसमें वास करते हैं और ये पैसों का पेड़ है मनी प्लांट, तो आप इसे चोरी करके भी लगा सकते हैं कहीं से या फिर खरीद कर भी लगा सकते हैं, तो बहुत ही शुभ पौधा है ये। तो इसकी जो केयर है आप अभी सूरज की किरणें से इसे बचाइए, क्योंकि इसकी जो लीव्स है काफ़ी बर्न बहुत जल्दी हो रही है, काफ़ी जल्दी जल रही है। तो मैंने तो इसे बचा के रखा है और मैंने इसे टीन शेड में रखा है, आप अपनी बालकनी में भी रख सकते हैं इसे, या फिर आप इसे ग्राउंड फ्लोर पर रख सकते हैं या फिर ऐसी जगह पर रखिए। देखिए गोल्डन पाथोस भी लगाया है मैंने, तो मेरे यहाँ बहुत सारे मनी प्लांट्स लगे हुए, इसे मैंने छोटे ग्रो बैग में लगाया है। मनी प्लांट को मैंने सबको ग्रो बैग्स में लगाया हुआ है और इसमें टाइम टू टाइम मैं खाद भी डालती रहती हूँ, और अभी के सीज़न में गर्मियों में इसमें कच्चा दूध ज़रूर चढ़ाती हूँ। कच्चे दूध से इसमें ये फ़ायदा होता है कि बहुत तेज़ी से बढ़ता है और इसमें भगवान की वास भी होता है और हमारे घर में बरकत भी बनी रहती है। तो मनी प्लांट को जो पत्ते हैं वो झुलसे नहीं, गर्मी से ज़रूर बचाइए, तो इसमें आप कच्चा दूध चढ़ाते रहिए। कच्चा दूध जितना चढ़ाएंगे उतना आपका मनी प्लांट अच्छा हरा भरा और घना बना रहेगा, इससे ठंडक मिलती रहेगी। और ये प्लांट में आप पानी ज़रूर रेगुलर दीजिए, क्योंकि प्लांट जो है मनी प्लांट का वास्तु प्लांट है और इससे पानी की बहुत आवश्यकता होती है, बहुत ज़रूरत होती है, तो इसमें आप पानी भी डेली डालते रहिए। और अभी तो गर्मियों के सीज़न है तो आप इसे टीन शेड सूरज की किरणों से बचाइए, थोड़ा आप अपने ड्राइंग रूम में भी रख सकते हैं, अपने घर के अंदर रख दीजिए ताकि ये आपका पेड़ जो है बचा रहे, क्योंकि अभी जो है पेड़ काफ़ी मर रहे हैं। देखिए मैंने इसे पानी की बोतल में भी उगा के रखा हुआ है, इसे मैंने ड्राइंग रूम में रख देती हूँ, अब बेडरूम में रख सकते हैं आप। और ये मनी प्लांट देखिए इसमें रूट्स भी आने लगे, 10 दिन पहले ही लगाया था मैंने, 10 दिन पहले ही अभी लगाया है और देखिए इसमें रूट्स आने लगे हैं। तो आप इसे टाइम टू टाइम इसका पानी चेंज करते रहिए डेली रेगुलर, अगर इसमें पानी कम हो रहा है तो डालते रहिए। तो मनी प्लांट बहुत ही शुभ पौधा है, बहुत ही गुणकारी पौधा है, तो इसे आपने अभी तक घर पर नहीं लगाया ज़रूर लगाइए, और ये पौधा बहुत ही फलदायी है, अपने घर पर आपके घर में पॉजिटिविटी बनाएगा। और बिल्कुल भी ये जो पेड़ है आप इसे चोरी करके भी लगा सकते हैं, फ्री में भी लगा सकते हैं, तो बहुत ही शुभ पौधा है। तो मनी प्लांट के पेड़ को अभी तक नहीं लगाया जल्दी से लगाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से कीजिए। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियो में।